इसके 12-15 बच्चे हो गए। तो ये 2 करोड़ का ये घोड़ा है, बाकी इसके बारे में दंत में, 2 दांत में और नर में। डर रहता है कि घोड़ा की लात ना मर दे। इसको चने की चूरी, जौ का दलिया, चापड़, रचका, मूंगफली का नीरा, विटामिन मिनरल मिक्सचर ये देते हैं। देखिए इस वक्त पुष्कर का जो पशु मेला है उसमें दूर दराज से लोग अपने पशुओं को यहाँ पर लाते हैं, उनकी बोरी लगाते हैं, कुछ लोग उनको बेचते हैं, कुछ लोग वैसे ही लाते हैं और लोग भी काफ़ी उत्साह के साथ देखने के लिए आते हैं। लेकिन पुष्कर मेले में कुछ ऐसे पशुओं के मालिक भी आते हैं जिनके अपने जो ऊँट घोड़े हैं होते हैं उनकी कीमत है वो आसमान छूती हुई होती है। और पहले हमने एक वीडियो आपको दिखाया था, उसमें ये था कि वो घोड़ा मतलब 6 लाख के 10 लाख तक के थे, लेकिन इसका अगर मैं बता दूं क्योंकि हमने बात करी पहले, तो ये 2 करोड़ का ये घोड़ा है। बाकी इसके बारे में जानकारी जो हमारे साथ बंटी जी उनसे लेते हैं। पहले तो कहाँ से लाया गया है इसे? ये अजमेर से लाया है, हमारा स्टड फार्म अजमेर में टंडन स्टड फार्म के नाम से। इस घोड़े का नाम शिवनाद है, ये सप्ताश का बेटा है और काले कांटे का पोता हो गया जी। मतलब इनके दादाजी का नाम काला कांटा था। हाँ जी। अच्छा, और ये आलिशान लाइन का है। आलिशान लाइन। हाँ, ये आलिशान 12 शो जीता हुआ है जी। 12 शो जीते हैं, अदंत में, 2 दांत में और नर में। ये कैसे मतलब अपना कंपटीशन दिखाते हैं? ये जब शो रिंग होती है तो उसके अंदर इनको लेके जाते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, गर्दन का कितनी पतली गर्दन है, कान का, आँख का, मुँह का, पैरों का, इन सब का देखा जाता है जी। अच्छा, तो मतलब अभी क्या उम्र रही होगी? ये भी 5.5 साल का हो गया है जी। 5.5 साल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर क्या कितने बच्चे होंगे इनके? इसके 12-15 बच्चे हो गए। 12 से 15 बच्चे हैं। तो ये कौन सी नस्ल है इस घोड़े? मारवाड़ी नस्ल का है जी। मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। अच्छा, तो फार्म हाउस में आपके कितने घोड़े हैं, कितने रखे हैं? 21 हैं जी। अभी 21 घोड़े यहाँ पर आपने बेचे क्या? यहाँ पे 5 बेच दिए। 5? किस कीमत में बेचे आपने? वो अलग अलग कीमतों में बेचे। अभी इसकी कीमत आपने 2 करोड़ लगाई, सही? मैंने नहीं लगाई, मेरी डिमांड है, कोई लगाएगा तो दूसरा मैं तो मांगूंगा इसे। अच्छा, आपकी कीमत की आपके हिसाब से 2 करोड़ है? अच्छा, तो मतलब कोई राजी हुआ है क्या 2 करोड़ में लेने के? आ जाता तो आपको दिखता ही नहीं फिर ये। अच्छा, कोई आए नहीं अभी तक है। क्या खाने में ध्यान रखते हो विशेष आप? इसको चने की चूरी, जौ का दलिया, चापड़, रचका, मूंगफली का नीरा, विटामिन मिनरल मिक्सचर ये देते हैं। देखो मेन तो है कि हाइट भी बहुत डिपेंड करती है। क्या हाइट है इसके? 63+ है। 63। अधिकतम कितनी होती है घोड़ों की हाइट? अधिकतम तो 70-72 भी हो जाती है। 70-72 की भी होते हैं मतलब? 63 है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब है किस तरह से क्या देखभाल होती है फिर? इसके टाइम टू टाइम खरखरा ब्रूश ये सब कराना पड़ता है, दाना चारा कराना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब कौन मतलब जब ये रहता है फार्म हाउस पे, घुड़सवारी कौन कौन कर सकता है या जो भी आप देखभाल करने वाले सब करते? सिर्फ वही करेंगे जी, बाकी और देखभाल जो करते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या मतलब जैसे कि वो रहता है ना कि कुछ डर रहता है कि घोड़ा की लात ना मर दे? नहीं नहीं, तो बहुत ये बहुत सीधा, ये कुछ नहीं करता जी ना। सीधा? हाँ। इसकी माँ भी सीधी थी, उसका नाम अभिजीत था, राज दरबार की राज तिलक की है वो। अच्छा, जो इसकी माँ मदर है उसका नाम अभिजीत है। अभिजीत नाम। वो भी कई शो जीती हुई, इसका बाप भी कई शो जीता हुआ है, इसका दादा भी कई शो जीता हुआ है। अच्छा, घोड़ों की उम्र अधिकतम कितनी होती है? अगर अच्छा मेंटेनेंस हो तो 45 साल भी। 45 साल। अब उसमें अच्छा मेंटेनेंस मतलब ध्यान तो अच्छा केयर के ऊपर होता है जी। केयर के ऊपर। हाँ जी। अच्छा, ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। और कलर तो इसका, इस कलर को क्या बोलेंगे? ये कलर है भंवर है, पंच कल्याण है, जैसे पट्टा पूरा हो गया, चारों पैर सफेद है इसके। पैर हाँ सफेद है, मतलब भंवर। भंवर तो रंग हो गया इसका, रंग है। वैसे इसको पंच कल्याण कहेंगे, पट्टा पूरा, चार पैर सफेद है इसके, इसलिए। अच्छा, मतलब लोग काफी इधर देखने भी आए होंगे, सेल्फी वगैरह लेने? हाँ लेते हैं जी, आते हैं इसको देखने के लिए। कितने दिन से है यहाँ पर? हमें 10 दिन हो गए यहाँ पे। 10 दिन हो गए, अभी और विचार कितना रुकने का? बस कल तक। कल तक रुकने का? फिर अगर कल तक सेल नहीं होता आप घर ले? नहीं, सेल करना ही नहीं है। अच्छा, आप करना ही नहीं है? सेल करना ही नहीं है, सेल करना तो कब का ही करते थे। अच्छा, नहीं करोगे मतलब? तो कौन जो फार्म हाउस के मालिक है या उनकी शुरुआत आप ही हो, तो आपको क्या घोड़े रखने का शौक था? हाँ, बचपन से शौक था, मैं 2011 से घोड़े रख रहा हूँ। आपने पहली घुड़सवारी कब करी थी? मैंने पहली घुड़सवारी कर दी थी 2008 में। 2008 में? हाँ, मैं सीख के आया हूँ पूना से और यहाँ पुलिस लाइन अजमेर से। अच्छा, सीख के आए, फिर आपने घोड़े रखने शुरू? तब रखे, पहले नहीं रखे। हाँ जी।
अच्छा, अभी आपके पास 21 घोड़े हैं? 21 पशु हैं। पशु है अभी? हाँ, मतलब घोड़े घोड़ियाँ बच्चे बच्ची मिला करके 21 है। हाँ जी। अच्छा, मतलब आपका इससे लगाव कितना है? नहीं, लगाव नहीं होता तो खड़ा ही नहीं रहता, ये खोदता भी। वो होता है ना कि जैसे जितने भी पशु होते तो किसी की बहुत ज्यादा ही लगाव होता नहीं है। तो सबसे ही है जी लगाव, तो सबसे ही है। हाँ, आवाज से भी पहचान लेते हैं कि आवाज, इनकी आवाज से हम पहचान लेते हैं कौन सा घोड़ा बोला। आप पहचान लेते हो? कोई भी आवाज करता है तो वो इतना टाइम रहते हैं इसलिए पहचान जाते हैं जी। अच्छा, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ है ये बिंटू जी, जो कि एक फार्म हाउस के मालिक है, और ये इनका 2 करोड़ का जो घोड़ा था, फिलहाल ये इस घोड़े को तो बेच नहीं रहे हैं, लेकिन तमाम जानकारी जो एक जो लोग घोड़े पालते हैं अपने घर पर रखते हैं, किन किन बातों का वो ध्यान रखते हैं, कैसे क्या पालते हैं, किस तरह से होता है, वो हमने इनसे ली। शुक्रिया।